फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दीक्षा मतलब ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स कल नोटिस आ गया था कि मेरा जो कि सिलेक्शन हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और एक ही दिन का समय दिया हुआ था, कल जो कि काउंसलिंग हो गया था और आज ही एडमिशन लेने बोला गया है। और इसीलिए अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, सारा डॉक्यूमेंट्स तो मैं ले ली, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स निकालने के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए हैं कैफे, और इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। अभी जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे कैफे से, वैसे ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। वो रहा कैफे जहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, कुछ कुछ बच्चियाँ भी हैं ऊपर में, और अभी सुबह का समय है इसीलिए जो कि स्टूडेंट लोग अपना अपना स्कूल जा रही हैं। कैफे का काम हो गया था इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, और यहाँ पे आगे जाके थोड़ा सा राइट ले लेना है, उसी रास्ता में हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाएंगे। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिससे सभी कोई जान सके सेंट्रल यूनिवर्सिटी इधर है। सो देखिए इस जगह जो कि ग्रीन ग्रीन बोर्ड लगाया हुआ है। आज भी काफी सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए आए हुए हैं, देखिए रास्ते भर में बच्चे नजर आ रहे हैं। कल से अधिक तो भीड़ मुझे आज ही लग रहा है, कल तो रास्ते में इतने स्टूडेंट नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन आज काफी ज्यादा स्टूडेंट रास्ते में ही देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है कि अंदर में और भी भीड़ है। और ये रह गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बस जो कि स्टूडेंट को वापस पहुंचा रहा है। ये अच्छा है कि यूनिवर्सिटी का अपना बस है जिसके कारण बच्चों को यूनिवर्सिटी आने जाने में बहुत ही सहायता मिलता है। और मैं अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले ली हूँ, और साथ ही साथ सारा डॉक्यूमेंट्स का तीन तीन कॉपी जेरोक्स भी ले ली हूँ और फोटो भी। और ये भी एक यूनिवर्सिटी का बस है। कल के मुकाबले आज मुझे कुछ अधिक ही भीड़ लग रहा है, देखिए काफी सारे बच्चे वापस भी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनका काउंसलिंग हो गया। और एक तरफ से ये भी हो सकता है कि सीट फुल हो चुका होगा, अब तो अंदर जाके ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और देख के तो ऐसा लग रहा है कि कल से अधिक गाड़ी अभी जो कि गेट के बाहर रखा हुआ है, और काफी सारे पेरेंट्स भी जा रहे हैं बड़ा बड़ा बैग लेके, काफी दूर दूर से भी आए हुए हैं पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को लेके यहाँ पे। आज तो रास्ते के दोनों साइड गाड़ी रख दिया गया है, देखिए यहाँ पे भी गाड़ी है और आगे भी गाड़ी दिख रहा है, दूर दूर तक गाड़ी ही गाड़ी दिख रहा है। सोच सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट आए हुए हैं आज, देखिए काफी सारे लोग बाहर में भी हैं, और इतने सारे बाहर में हैं मतलब अंदर भी होंगे, तो हम लोग भी कहीं पे गाड़ी रख देते हैं और अंदर चलते हैं। गाड़ी तो रख दिए, अभी अंदर चल के सबसे पहले पता करते हैं कि कहाँ पे एडमिशन हो रहा है, क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं है कि किस जगह पे हो रहा है एडमिशन। अभी सबसे पहले उस जगह जाऊंगी मैं जहाँ पे मेरा जो कि काउंसलिंग हुआ था, वहीं के टीचर्स लोगों को पूछूंगी कि किस जगह पे एडमिशन हो रहा है। तो अभी पहले चलते हैं जहाँ काउंसलिंग हो रहा है वहाँ पे। काफी सारे बच्चों के गार्जियन जो कि बाहर में घूम रहे हैं, कोई कोई तो लॉन घास के ऊपर बैठ गए हैं और कोई कोई काउंसलिंग बिल्डिंग के जो कि बाहर में ही बैठे हुए हैं और अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं। बच्चे अंदर गए हैं काउंसलिंग के लिए, हम लोग भी अभी फटाफट से अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि कहाँ एडमिशन हो रहा है। पहले तो हम लोग सिक्योरिटी गार्ड से पूछे तो ये बोले कि अंदर जाके पता कीजिए, तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। कल के जैसे ही आज भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, डिपार्टमेंट के अनुसार एक एक करके बुलाया जा रहा है सबको। काउंसलिंग टीचर से तो बात हो गया, उनका कहना था कि अगर हम लोग फी पे कर दिए हैं ऑनलाइन तो हम लोग एकदम श्योर हो जाए कि हम लोग का एडमिशन हो गया है, तो हम लोग फी पूरा पूरी पे कर दिए हैं और हम लोग को ऑनलाइन रिसिप्ट भी मिल गया है। तो निकलते हैं अब यहाँ से। आज तो सिक्योरिटी किन्हीं के गार्जियन को अंदर आने ही नहीं दे रही है, बस किसी किसी के गार्जियन अंदर में है। कल तो शुरुआती दिन था इसीलिए काफ़ी कोई के गार्जियन अंदर आ गए थे, जिनको अंदर आने मन अंदर आ रहे थे और जिनको बाहर रहने मन बाहर रह रहे थे। आज तो विशेषकर सारे कोई के गार्जियन बाहर ही बैठे हुए हैं, देखिए। और ये रह गया तिरंगा, देखिए कितना ऊंचा है, सामने आने पे पता चल रहा है कितना ऊंचा है सो। और ये जो कैंपस है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का कैंपस, ये बहुत ही सुंदर है देखने में।
और यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर फूल लगाया हुआ है। देखिए ये गेंदा का फूल है, एकदम ऑरेंज ही ऑरेंज दिख रहा है देखने में। और यहाँ पे एक स्टेचू है जो कि कंप्लीट नहीं बना है अभी। एडमिशन कंफर्म कराने आए हुए थे यहाँ पे और ऑफिस जाके हम लोग एडमिशन कंफर्म करा लिए। अब यही मेरा 5 साल का कॉलेज हो गया और देख सकते हैं इसका कैंपस जो है बहुत ही सुंदर है, पार्क जैसा है। तो सभी कोई घूम रहे, कोई कोई जो कि आगे में है, पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग हैं, और कोई कोई इधर भी घूम रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल लगाया हुआ है यहाँ पे स्टेचू के सामने में। ये रह गया स्टेचू। और सुनने में आ रहा है कि मेरा क्लास जो है वो उस वाला बिल्डिंग में होगा जो आगे में आप लोगों को दिख रहा है, उसी बिल्डिंग में मेरा क्लास होगा। ये तो सुनने में आ रहा है, अब जब क्लास होगा, जब क्लास अटेंड करने आऊंगी मैं, तभी पता चलेगा कि कौन सा वाला बिल्डिंग है। यहाँ पे तो काफी सारा बिल्डिंग है, तो कौन सा क्लास में मेरा क्लास होगा वो देखेंगे। आज भी काउंसलिंग चल रहा है इसीलिए बच्चे आए हुए हैं, बच्चे और पेरेंट्स। उधर देख सकते हैं कितना भीड़ दिख रहा है। और लिस्ट के अनुसार बुलाया गया था, मतलब 1 से 100 तक में कल बुलाया गया था रैंक के अनुसार, और उन लोग का कल काउंसलिंग हुआ। और आज जो है 100 से 200 तक का बुलाया गया है। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और कल यहीं पे काउंसलिंग हुआ, आज भी यहीं पे हो रहा है। जितना घूमना था घूम लिए, अभी थोड़ा थकान लग रहा है तो बैठ लेते हैं कहीं पे। सभी कोई लोन घास के ऊपर में बैठे हुए हैं तो हम लोग भी बैठते हैं। और अभी मैं लोन घास के ऊपर में बैठी हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है बैठने में। और देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं घास के ऊपर में। अब निकलेंगे यहाँ से, सब हो गया और यही है अब मेरा कॉलेज। कोई कोई बच्चे अभी भी आ रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग के लिए, और कोई कोई वापस घर जा रहे हैं जिनका जिनका हो गया है, लेकिन काफी सारे बच्चे अभी भी आ रहे हैं। देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे में गाड़ी खड़ा किए हैं तो अभी गाड़ी के पास चलते हैं। कल से भी ज्यादा भीड़ आज लेकिन मुझे दिखा, क्योंकि काफी सारे बच्चे आए हुए थे और उनके साथ तो पेरेंट्स थे ही थे, और गाड़ी से भी बहुत ही ज्यादा था। गेट के बाहर पूरा भीड़ लग गया था गाड़ी का, और अभी भी काउंसलिंग चल ही रहा है इसीलिए गेट के बाहर काफी सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स भी हैं, देख सकते हैं इधर भीड़ ही है। और ऑटो वाला भी, काफी सारे ऑटो वाले आज आए हुए हैं, कल तो इतना ऑटो दिख भी नहीं रहा था और इतना गाड़ी भी नहीं था जितना आज दिख रहा है। रैंक के अनुसार बुलाया गया था, कल 1 से 100 तक का बुलाया गया था जिसमें मैं भी आई हुई थी, लेकिन आज 101 से 200 तक का स्टूडेंट लोगों को रैंक के अनुसार बुलाया गया है, लेकिन आज कल से अधिक भीड़ लग रहा है। हम भी अब निकलते हैं घर के लिए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।